लगने वाले फसलों के बारे में डिटेल से बताऊं कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और इस समय हमारे पास, वैसे तो हम कहते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में नीचे से लेके ऊपर तक मौसम तो सब जगह सर्दी शुरू हो रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ सर्दियों की फसलों की तैयारी हम ज्यादा नहीं किए हैं, है ना। लेकिन आप फिर भी क्या क्या खा रहे हो? आप मूली बाजार में देख रहे हो मिल रहा है, आप देख रहे हो पालक भी मिल रहा है, आप देख रहे हो धनिया भी मिल रहा है, आप देख रहे हो सलगम भी मिल रहा है, सब कुछ, सारी सब्जियां जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि अब लगाने के लिए, वो सब्जियां सारी आप मार्केट में आ चुकी है। इसका मतलब जो सर्दी का मौसम है, लोग जिसको बोलते हैं एडवांस में आपको तैयारी करना पड़ता है। जब आप सोचते हैं हम किसी फसल को लगाने के लिए, वो किसान जिसने पैसा कमाना है वो उसकी तैयारी पहले कर चुका होता है। तो ये चीजें हमारे को ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये चीज हम किचन गार्डन में नहीं कर पाते हैं, जबकि किचन गार्डन वो जगह होता है, सबसे सेफ जगह होता है, जहां पर हमें पता होता है कि हमारे पास न ज्यादा पानी होता है, न ज्यादा जैसे बोलते हैं ना सूखा भी नहीं होता है, क्योंकि हम घर के आसपास की जमीन होती है। और इंडिया में, भारत वर्ष में जरूर किचन गार्डन को अभी तक जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री, जिस तरह से फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री जिस तरह से किचन गार्डन को लेता है, उस तरह से हम किचन गार्डन को नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी होता है वो किचन गार्डन को होता है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर हम सब्जी उगाएं, पूरे साल भर हम सब्जी की खेती करें, पूरे साल भर हमारा सब्जी जो किचन में सब्जी है वो हमारा किचन गार्डन से आए। दूसरी बात, हमारे पास जगह उतनी नहीं होती है, लोग 90% ने तो घर बना देते हैं और जो 10% जमीन बचता है उसको आंगन बना देते हैं, और उसमें भी मार्बल सार्बल बिछा करके बराबर कर देते हैं। मतलब कभी ध्यान भी ये नहीं रहता है कि भाई मैं जो खेती कर, मैं मुझे खान, मतलब घर से बड़ा आंगन, तो जिस आंगन को, जो छोटा आंगन में काम चल सकता था उससे भी बड़ा आंगन, और उसको पूरा पक्का प्लास्टर कर देते हैं। तो किचन गार्डन का कंसेप्ट तो गांव में करीब करीब मैंने देखा बहुत सारे घरों में तो खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ी, हमारी सबसे बड़ी भूल है। और मैंने गांव में ये भी देखा है कि जो काम शहरों में करते हैं, कि शहरों में छत के ऊपर सब्जियों की खेती करते हैं, वो अब गांव में होने लग गया है, कि गांव के लोग अब छत बनाते हैं, जब देखते हैं कि मैंने सारा ही प्लास्टर कर दिया तो छत के ऊपर गमले वगैरह रख करके, आजकल पॉटिंग प्लास्टिक का पॉट वगैरह भी आता है, देखा होगा आपने, और उसके बने हुए उसमें सब्जियों की खेती करते हैं। तो हमारे पास जमीन की कमी हमने खुद भी पैदा कर दी है। किचन गार्डन का मतलब होता था अगर चार आदमी का परिवार है तो कम से कम चार मरले जमीन उसके पास होना चाहिए, एक आदमी के लिए एक मरला जमीन डेडिकेटेड होना चाहिए किचन गार्डन के लिए। अगर आप ये पूछते हैं कि कितना बड़ा किचन गार्डन होना चाहिए, अगर थ्रू आउट द सीजन आप सब्जी खाना चाहते हैं, पूरे साल भर आपको लगता है कि मेरी 50-80% सब्जी हमको लौट करके घर में आए, जिसके ऊपर हमें खरीदना ना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि हमारे पास कम से कम एक आदमी, जो अगर फैमिली का में, जो मतलब यंग मेंबर है, मतलब उसमें ना बच्चे नहीं, बच्चे तो उसमें इंक्लूड ही हो जाएंगे, लेकिन अगर घर में माँ बाप और उनके दो बड़े बच्चे हैं तो डेफिनेटली है कि चार लोगों के परिवार, चार से पांच लोगों के लिए आपको चार मरला, तीन से चार मरले जमीन चाहिए। मरला समझते हैं ना आप लोग, सबसे छोटा टुकड़ा, मतलब एक मरला इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 × 20 square meters होता है, 10 meters लंबा, 2 meters चौड़ा, जो अगर जमीन का टुकड़ा है तो इज कॉल्ड एक मरला। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई इतना भी जमीन लोगों के पास कई बार पहाड़ों में नहीं भी होता है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि अगर आपके पास अगर आपके पास जो जमीन का टुकड़ा है, अगर मतलब हम कहते हैं कि एक मरले में एक आदमी का परिवार, ये प्लेन के जमीन के लिए है जहां पर खुला जमीन होता है, जहां पर जैसे आप हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, इन लोगों के पास जमीन की कमी घर के पास नहीं होती है, क्योंकि घर बनाने के अलावा ये इसके पास इतनी जमीन होती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो मैं ये नहीं कहता उसका पक्का का मकान होगा, लेकिन जरूर किचन गार्डन के लिए आप हमारे गांव में चलोगे ना, मैं बिहार का रहने वाला हूं, आप हमारे गांव में चलेंगे तो चाहे गरीब परिवार क्यों ना हो, लेकिन उसका किचन गार्डन जरूर होगा। ये कंसेप्ट हमारे यहां, और यहां हिमाचल में भी है, लेकिन हिमाचल में जितने पैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से लोगों ने उसको पक्का प्लास्टर करके किचन गार्डन के लिए घर नहीं छोड़ा है, जगह नहीं छोड़ा है, मतलब जहां वो घर बना रहे हैं उसको पूरा एरिया चलो कवर करना, दैट इज अ गुड थिंग, कि ठीक है मैंने अपना बाउंड्री वॉल कर दिया, लेकिन बाउंड्री वॉल के अंदर भी लोगों ने जमीन नहीं छोड़ी है, उसको भी पक्का प्लास्टर कर दिया है, जबकि उतनी जरूरत है नहीं, उतनी जरूरत थी नहीं आंगन की,
लेकिन आंगन से ज्यादा जरूरी उसके बीच में अगर आपके छोटी छोटी क्यारियां हो तो वो दैट इज अ वेरी गुड, कि वो अगर कॉन्सेप्ट रहता तो सबसे अच्छा काम आप लोग का, मतलब ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट यहां सबसे सक्सेसफुल होना था। एक फार्मर है ऊना का, आपको मैं बताऊं, वो मैसन का काम करता है और मैंने उसको 2007 में ट्रेनिंग दिया था, 2007 की ट्रेनिंग देकर के उसके उसको दिया, उसके बाद उसके बेटे को भी, बेटे ने भी ट्रेनिंग दी। जब 2007 में वो ट्रेनिंग लिया तब भी वो किचन गार्डन नहीं करता था और आज कम से कम 10 से 12 लाख रुपया जो आप बोल रहे थे कि नर्सरी से कमाता है वो फार्मर मेसन का काम छोड़ दिया, जबकि मेसन की दिहाड़ी पता आपको कितनी है ना, 700 से 800-900 रुपया लेता है वो, मेसन लेबर नहीं, 800 रुपया है ना, 800 की दिहाड़ी छोड़ करके वो किचन गार्डन का काम करने लग गया। और जो किचन गार्डन का काम कर लिया कर रहा है, किचन गार्डन ने सॉरी नर्सरी का काम करने लगा, 10 से 12 लाख रुपया वो कमाता है साल का नर्सरी से, वेजिटेबल की नर्सरी से, सब्जी की नर्सरी से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख रुपए का वो प्याज की नर्सरी बेचता है एक इसी अभी के सीजन में। अभी आप जाओगे तो पूरा का पूरा परिवार उसमें लगा होता है। और दूसरी बात, जो उसके घर बने हुए थे, क्योंकि उसने के बाद वो गरीब आदमी था तो जो छत है उसका करीब करीब एक कनाल के करीब उसका छत है, क्योंकि 2-3 बेटे हैं उसके, सबका साधा छत है एक तरह से बना हुआ। उस छत के ऊपर आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि उस पर बोरी, सीमेंट की जो बोरी होती है ना, जिसके यहां काम करता था, तो बोरियां वगैरह होती है, सीमेंट की बोरी की लाइफ बहुत होती है। अगर आपको कुछ नहीं मिले, गमला पॉट ये वो आपको नहीं मिले, तो सीमेंट के बोरी से बढ़िया कोई भी आपका पॉटिंग मतलब गमला नहीं है, इतना बढ़िया होता है, क्योंकि उसकी लाइफ जो होती है 4 साल तक होती है, वो सीमेंट की बोरी सड़ती नहीं है अगर आप ढंग से उसको रखे तो। और सीमेंट की बोरी में मतलब जो मिक्सचर है वो भर करके गोबर लीप के पत्ते के खाद और मिट्टी वगैरह रेत वगैरह सब कुछ मिला करके पूरे साल की सब्जी वो उस पर उगाता है, मक्की तक उगाता है उसमें, और कम से कम 20 से 25 तरह की सब्जी वो उस पर उगाता है, फूल गोभी बंद गोभी शिमला मिर्च बैंगन टमाटर मटर सब उसी बोरियों में, लहसुन तक भी उगाता है, लहसुन के पत्ते खाने के लिए, हरी हरा धनिया ली, मतलब पूरे साल आपको हरा मिर्च धनिया जो उसको सौंफ ये जो चीजें हैं बैंगन पूरे साल आपको उसके छतों पे मिलेगा, कोई भी बोरी उसकी खाली नहीं रहती है। और एक बार भरा है 4 साल बोलता है, 4 साल तक ये डक्सर हमारा चलता है। तो जगह की तो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसको कहां से आया कि चूंकि बंदर की समस्या, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि बंदर की समस्या है, तो उसके घर में भी बंदर की समस्या थी उस एरिया में, तो बंदर की समस्या से निपटने के लिए बोला कि जब हम किचन गार्डन लगाते सारा का सारा बंदर आकर के इसको नुकसान कर देता था, तो उस समस्या से बचने के लिए उसने छत के ऊपर बोरी लगाई। और आज के डेट में वो आप जाकर के कभी मौका मिले तो क्या नाम है इसका, थाना कला से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, मतलब कोई 8-7-6-7 किलोमीटर नीचे साइड का, अगर कभी आप लोग गए होंगे थाना कला साइड को ऊना में, तो वहां पर उसका घर है और उसको देख करके उस गांव के सारे लोगों के छतों के ऊपर आप देखोगे सब्जी सब्जी लगी हुई, क्योंकि बंदर की समस्या तो अभी भी उतनी है, लेकिन छत के ऊपर सब्जी लगा करके एक एक इंच जमीन में लोगों ने छतों पर बोरियां रख रख करके सब्जियां लगा दी है। तो मेरा कहना था किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट, चलो ये तो शहर की बात को वो अपना लिया है कि शहर में लोग गमले खरीद लेते हैं पॉट खरीदते हैं, नहीं देखते हो ना छोटे छोटे बालकोनी वगैरह में लोग गमले लटका के उसमें धनिया पालक मेथी वगैरह थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं, चाहे उनको 4 पत्ते ही चाहिए धनिया के, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं बाजार से ना खरीद करके मैं इसी में लगाऊं। और ये शौक हरियाली का दुनिया में एक ही चीज है जिसका शौक सबको, पशुपालन का शौक सबको हो ये मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन खेती करने का शौक एक लेडी से लेकर जेंट्स तक, करोड़पति से लेकर के गरीब तक, और अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे तक सबको होता है कि एक घर में मेरा गमला हो जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं हो, जो पौधा हो वो बिल्कुल मैं अपने मेहनत से, चाहे वो गुलाब का हो क्रोटन का हो जेरेनियम का हो जरबेरा का हो कोई भी प्लांट मैं लगाऊं, ये सबको शौक होता है और ये शौक अच्छी बुरी नहीं है, अच्छी चीज है। तो किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट आज के डेट में सबसे जरूरी है, ठीक है ना। तो किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट में अभी के सीजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो सीजन आता है हम क्या करते हैं किचन गार्डन में, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम तभी करते हैं जब बाजार में चीजें, जब बाजार में देखते हैं कि मूली निकलना शुरू, मूली बिकना शुरू हो गया तो मूली का बीज खरीद के ले आते हैं,
जब देखते हैं धनिया निकल मिलना शुरू हो गया तो धनिया का बीज ले आते हैं, जब हमको लगता है कि गाजर मिलने लगा तब गाजर का बीज खरीद के ले आते हैं, जब देखते हैं कि क्या नाम है राम तोरी निकलने लग गया तो राम तोरी का बीज, खीरे का, मतलब जब वो निकलने लगता है तब जाकर के किचन गार्डन वाले लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि मेरे को लगाने का टाइम आ गया, जबकि एक्चुअली उससे एक डेढ़ महीना पहले इसको लगाना चाहिए। दूसरा कि किचन गार्डन में कभी भी जमीन को हम खाली नहीं रखते हैं। मूली एक ऐसी फसल है जो किचन गार्डन में पूरे साल आपको होना चाहिए, पूरे साल आपको किचन गार्डन में मूली होना चाहिए, पूरे साल आपके किचन गार्डन में पालक होना चाहिए। पालक भी ऐसा फसल है जो कभी भी लगा दो कभी भी चल पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमारे किचन गार्डन में जरूरी है। पुदीना है, कभी कभी तो लोगों को पुदीना भी देखा है कि दूसरे से मांगने चले जाते हैं, जबकि पुदीना आपने देखा होगा कि, और जब घर में रहता है, आप चले जाओ चंडीगढ़ वगैरह में ना, जब जूस वगैरह निकालते हैं तो हम जबरदस्ती बोलते हैं दो चार पुदीना के पत्ते कहां से लेके आया कोई पता नहीं, नाले से उखाड़ के लाया कि किसी नाली से उखाड़ के लाया, क्योंकि आप देखते हैं नालियों किनारे बहुत सारे पुदीना लगे होते हैं और लोग वहां से खरीद, वहां से उखाड़ उखाड़ करके और धो धा करके और आपको जूस में डालते हैं वो बहुत सारे जगह पे। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमने किचन गार्डन में करना क्या है। सबसे पहली बात किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट में कि आपको, आप अपनी पसंद की सब्जी लगाइए। जरूरी नहीं है कि अगर मूली नहीं पसंद है परिवार को तो मत लगाओ मूली आप। अगर आपको धनिया नहीं पसंद है, घर में कोई नहीं खाता है तो धनिया मत लगाओ। लहसुन पसंद नहीं है तो नहीं लगाना है। पालक नहीं पसंद है तो मत लगाओ आप। किचन गार्डन है ही कि हमारे को जो शौक है, जो हमारे को अच्छा लगता है, हमारे परिवार को अच्छा लगता है, वही चीज को उसमें जगह दीजिए। दूसरा, लहसुन और प्याज ये दोनों किचन गार्डन की चीज नहीं है, क्योंकि लहसुन और प्याज, लहसुन को हम मान के चलते हैं कि लहसुन को दो रूप में हम खाते हैं। एक तो हम लहसुन को साबुत खा लेते हैं जैसे हम नॉर्मली आजकल खाते हैं, लेकिन लहसुन का हरा पत्ता बहुत कम लोग होते हैं जो हरा पत्ता तोड़ करके खाते हैं, जबकि चार महीना कहा गया है कि अगर लहसुन का चार महीना आप पत्ते को यूज करो, आप नहीं यूज करते हैं, लोग बढ़ने देते हैं, जबकि वो पत्ता थोड़ा सा, कम से कम एक लहसुन अगर अच्छा क्वालिटी का बढ़िया से आपने लगाया है तो कम से कम चार से पांच पत्ते उसमें जरूर तोड़ने चाहिए, कोई नुकसान नहीं होता है उसका, शुरुआत के नहीं मिड बीच में। जैसे कि आपने सितंबर में लगाया है तो अक्टूबर के 15 के बाद या अक्टूबर लास्ट के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में आप इसमें से दो दो तीन तीन पत्ते निकालोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा उसको, पत्ते तोड़ने से नुकसान नहीं होता है। लेकिन फरवरी के बाद आप उन्हें उसमें पत्ते की तुड़ाई नहीं करनी है, जो पत्ता निकलता है उसको रहने देना, तभी वो उसका साइज बनेगा। पत्ते से खाना बनता है और खाना जब बनता है फोटोसिंथेसिस, तभी वो जाकर के लहसुन में इकट्ठा, तभी आपने देखा होगा कि 15 मार्च के बाद ही लहसुन का नीचे गांठ बनना शुरू होता है, उसके पहले आप चाहे कितना भी हरियाली रहे उखाड़ के देखोगे तो इतनी सी गांठ होगी या होगा भी नहीं, जड़ ही जड़ होता है। दूसरा, प्याज जो है हमारा, प्याज हमारा लहसुन, मतलब प्याज चूंकि हम डेली एक किलो प्याज हम खाते हैं या परिवार में एक किलो प्याज तो लग ही जाता है, तो ये छोटे किचन गार्डन के लिए एक किलो प्याज, आपको 10 किलो प्याज उगाने के लिए आपको जितना जगह चाहिए वो सारा प्याज ही घेर लेगा। तो हम कहते हैं कि प्याज को लगाओ नहीं, प्याज हरा प्याज जो जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग अनियन, वो प्याज आपको लगाना चाहिए। स्प्रिंग अनियन का मतलब है कि हम जब वो निकल जाते हैं, लुंगे निकल जाते हैं प्याज में, घर में आजकल जो प्याज रखा हो अगर पुराना होगा तो आप देख रहे होंगे उसमें लुंगे निकलने लगते हैं, तो वो लेकर के आप उसको लगा दीजिए 10-15-20 प्याज, और 15-20 दिन के बाद उसके पत्ते बहुत सारे निकल आते हैं, तो उसकी कटाई कर करके जितना काटोगे आप उतना ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हैं। लहसुन को के पत्ते को भी खाइए, प्याज के पत्ते को खाइए, और जो आपको ज्यादा जमीन प्याज लगाना है, आपने 2-3 क्विंटल प्याज आप चाहते हैं कि मेरा अपना हो या लहसन अपना हो, तो उसके अनुसार थोड़ा सा क्यारी का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक मरला से कम का प्याज का क्यारी नहीं होना चाहिए जो आप किचन गार्डन में लगाते हो, एक मरला से कम आपका लहसुन का क्यारी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज के लिए स्पेसिफिकली है कि इतना लगाओगे तो आपको लगेगा कि मेरे, मैंने कुछ लगाया है। दूसरा बात, जब हम किचन गार्डन में लगाते हैं, अब इस समय आप जैसे एक एक फसल से शुरू करते हैं, जैसे मूली है, मूली हम लगाते हैं ना, इस समय मूली की खेती, मूली सब पूरे साल चाहिए होता है, थोड़ा बहुत भी चाहिए लोग सलाद के लिए या सब्जी में डालने के लिए या जैसे भी, उसके पत्ते भी साग के रूप में यूज होते हैं, कई बार मिक्स करते हैं। तो इस समय जो आप मूली लगाते हो, इस समय मूली को कभी भी किचन गार्डन में इकट्ठा नहीं लगाना चाहिए, जैसे एक ही बार में मूली लगा दिया सारे मेड़ बनाए, मूली को लगाने के लिए कभी भी बिना, चाहे आपके यहाँ रेतीली मिट्टी हो चाहे चिकनी मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, मिट्टी
मूली को मेड़ के ऊपर ही लगाना है, मेड़ बना, जैसे आलू की तरह मेड़ बनाते हैं ना, तो उसी तरह मेड़ बनाते होंगे आप लोग। फ्लैट में लगाएंगे तो मूली का साइज, अगर आपका चिकनी मिट्टी है तो जो उसकी क्वालिटी बननी चाहिए वो नहीं बनेगा। तो कोशिश आपने की यही रहनी चाहिए कि जो मूली हम लगा रहे हैं वो उसको मेड़ के ऊपर लगाए, आलू वाला जो मेड़ बनाते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके, और उसके बीच में एक दो और तीन, तीनों पोर्शन पे आप एक टॉप में दोनों साइड में तीन मूलियां आप लगाए, ठीक है ना। लेकिन मूली को बिजाई हमने तभी करना है, कितना करना है कि हर सप्ताह में 20-25 दाने हमने बीजने हैं हर सप्ताह, तभी आप कंटिन्यूअस खा सकते हो। सारे मूली इकट्ठे लगा दोगे ना, सारा मूली इकट्ठा तैयार हो जाएगा, आप 5% से लेकर के 25% तक तो खाओगे, बाकी मूलियां बेकार हो जाएगी, आपकी सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी आप मूली लगाते हैं तो मूली को आपने लगा, और मूली का बीज जैसे हम एक सीजन के लिए आप 50 ग्राम मूली खरीद लीजिए, 50 ग्राम मूली, और वो 50 ग्राम बीज को इकट्ठा नहीं लगाइए आप किचन गार्डन का। मैंने अपने गमले में भी मूली उगा लेता हूं, मूली इतना बढ़िया है। आजकल जो यूरोपियन वैरायटी आती है जिसका मूली का साइज छोटा होता है और मोटा ऊपर से नीचे तक एक जैसा बराबर होता है, वो सबसे बेस्ट मूली है आपको किचन गार्डन में लगाने की। जो बड़ी बड़ी मूलियां आती है उसके लगाने के लिए खेत की गुड़ाई भी उस तरह की होनी चाहिए, जैसे आप ऊना की मूली देख लो आप, या नदौन की मूली बड़ी मशहूर है। नदौन का मूली सुना है आपने, लाल रंग का होता है, गुलाबी कलर का होता है, वो बड़ा मशहूर है, वहां भी लोग लगाते हैं। तो उसको भी जमीन के अंदर गहरा करके लगाते हैं, मतलब वो मेड़ बनाते हैं लंबा, और मेड़ के ऊपर चौड़ा मेड़ के ऊपर कई डालते हैं, कम से कम इतना दूरी रखते हैं। तो मूली को आप लगाइए मेड़ के ऊपर। दूसरा आता है इस समय पालक। पालक को जब आप लगाते हैं, देखिए किसी भी बीज की आप बिजाई कर रहे हो, जितने भी तरह के बीज की बिजाई इस समय आप करेंगे, तो उस बीज की बिजाई को आप जैसे धनिया में बीज रहे, पालक बीज रहे, मेथी बीज रहे, या जो सरसों बीज रहे, या सलगम जो भी आप बिजाई कर रहे हैं, या मटर बीज रहे, आपको बीज के ऊपर मिट्टी नहीं डालना है। बीज के ऊपर आपने क्या करना है कि गोबर की खाद डालनी है। जैसे ही आपने छेद किया उसमें आपने बीज डाला, जैसे आप मूली लगा, मान ले पालक लगा रहे हो, तो मेड़ एक नाली बनाई हल्की सी इतनी गहरी, और उसके बीच में पालक का बीज आपने डाल दो लाइनों में, और डालने के बाद उसके ऊपर जो है मिट्टी नहीं डालना है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, गोबर का खाद, छना हुआ गोबर का खाद जो थोड़ा बहुत करके रख लीजिए, वो वीडियो में डालूंगा कल जो कैसे उसको लगाना है। तो जब हम उसका जर्मिनेशन 90, जो खराब बीज भी होगा वो भी जम जाएगा, 100% जर्मिनेशन आता है। और अगर आज समय बारिश हो जाए और मिट्टी सेट भी हो जाए तब भी वो जर्मिनेट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बीज मेरा जर्मिनेट करे ही करे, क्योंकि यहाँ इस एरिया का मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है, रात को बारिश आपके यहाँ हुई है, तो आप अगर मान लिया कि कोई पालक लगा दिया और अगर चिकनी मिट्टी है आपकी, अगर बारिश हो जाए तो क्या हो जाए, मिट्टी सख्त हो जाती है, फिर जर्मिनेशन में प्रॉब्लम। फिर लोग बोलते हैं कि मेरे को, फिर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब वो बीज नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ये पंचरों की इधर के साइड का ही आज फोटो भेजा है उसने, कि पालक का बीज जो है और उसके उसमें क्या हो गया, पालक का बीज निकल तो गया 100%, लेकिन वो टूटने लग गया, जिसको हम कमर तोड़ बीमारी बोलते हैं, कमर से टूटने वाला। तो ये अगर आप उस पे गोबर की खाद डाल करके डालेंगे, गोबर प्योर गोबर की खाद, कच्चा गोबर नहीं, छना हुआ जो चाय की पत्ती की तरह का गोबर का खाद होता है, ये तरीका है। देखिए किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट का एक तरीका है कि आप तैयारी, जब आपका नर्सरी, आपके पास एक बोरी गोबर की खाद हर समय छनी रहनी चाहिए। आप चाहो तो उसी गोबर के खाद में चूल्हे की राख थोड़ा मिला लीजिए 10-20-25-50%, और उसमें थोड़ा बहुत रेत अगर आपके पास है तो मिला लीजिए, उसको मिला करके ढेर बना करके कहीं रख दीजिए। जब भी आप बीज लगाने के लिए, मटर लगाने जाइए, धनिया, पालक, मेथी, कुछ भी लगाने जाइए, तो उसके बीज के ऊपर डायरेक्टली थोड़ा सा आप गोबर की खाद डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक तो वो गर्माहट रखता है, दूसरा मॉइस्चर नहीं जाने देता है, और तीसरा जो है उसके कितना भी सख्त हो जाए वो हर हालत में बाहर को निकल आएगा, जैसे वो जड़ को पकड़ लेगा और बाहर को निकल आएगा। तो इसलिए हम जो लगाते हैं, मैक्सिमम लोग बीज तो ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, खेत की तैयारी भी करते हैं, क्यारी भी बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब लगाने की बात करते हैं तो वो मिट्टी से ढक देते हैं उसको, और मिट्टी से ढक देते हैं, ऊपर से पानी दे लगा देते हैं, फिर उसमें जर्मिनेशन 50% पे आ जाता है। अगर बीच में तेज बारिश हो गई, मिट्टी और सख्त हो गया, तो उसके बाद जर्मिनेशन 0% हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने बीज लगाना है, खासकर किचन गार्डन में, तो आपके पास एक ढेर गोबर का
मैल का छना हुआ, छन्नी से छना हुआ, जिसमें कूड़ा कचरा नहीं हो, वो एक जगह एक दो बोरी हर समय स्पेयर में रखो आप। और ये हम जो पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं उसमें भी हम गोबर की खाद इसीलिए डालते हैं। दूसरा चीज, अगर हम प्याज के ऊपर आते हैं, प्याज हमने अभी प्याज का सीजन चलने वाला है, सब मिलके प्याज लगाते होंगे, थोड़ा बहुत तो सब लगाते होंगे। प्याज का नर्सरी आप तो उगाते नहीं हो, कोई भी कि उगाते हैं नर्सरी अपना नर्सरी लगाते हैं, बीज खरीद के लाते हैं। अब तो बीज अभी लगाया नहीं होगा आप लोगों ने, कब तक लगाएंगे? तैयारी है ना। नर्सरी लगाने के लिए तरीका कैसे है, कैसे आप नर्सरी लगाओ कि आपका नर्सरी सबसे बेस्ट हो? नर्सरी प्याज की नर्सरी लगाने के लिए मैं 5 मिनट में आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। प्याज की नर्सरी लगाने के लिए आपके पास क्या क्या, प्याज का बीज होना चाहिए, दूसरा आपके पास बेबिस्टीन होना चाहिए, तीसरा आपके पास डायथेनियम 45 होना चाहिए, तीन और प्लस एक क्लोरोपाइरीफॉस, ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक प्लास्टिक का डब्बा। नर्सरी के बीज को लाइनों में लगाते हैं कि छट्टा लगाते हैं? नहीं, लाइनों में नहीं लगाना है नर्सरी का बीज, प्याज की नर्सरी का बीज लाइनों में मत लगाओ आप। मैं ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हम भी लगवाते थे, हम भी करते थे, मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। जो आप लोग छट्टा लगाते हैं वो बेस्ट है, लेकिन छट्टा कैसे लगाना है आपने, आप हाथ से छट्टा लगाते होगे अगर लगाओगे तो जी। आपने क्यारी को तैयार कर लेना है, गहरी क्यारी तैयार कीजिए आप, ऊंची क्यारी नहीं तैयार कीजिए प्याज के लिए, क्योंकि ये सीजन में मिट्टी उसको नमी चाहिए होता है, इस समय में बहुत ज्यादा बारिश। हाँ, नाली जरूर ऐसा होना चाहिए कि अगर क्यारी में भी ज्यादा पानी हो जाए तो निकल जाए वो। क्यारी बना लीजिए, क्यारी के अंदर आपने क्या करना है, उसको पूरा महीन कर देना है मिट्टी को बिल्कुल, और जब आप लास्ट में क्यारी को तैयार करने लगिए तो उसमें से बिल्कुल चलना नहीं है, उसके ऊपर पैर नहीं रखना है। फिर उसके बाद छोटी छोटी क्यारियां, लंबी लंबी क्यारियां, जैसे भी आप लोग बनाते हो, गहरी क्यारी 2-4-5 सेंटीमीटर गहरा कम से कम। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्लास्टिक का डब्बा जो होता है ना, प्लास्टिक का जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का छोटा सा डब्बा 200-250 ग्राम का, उसके अंदर आपने छेद करना है बोतल के उस पे कील वगैरह से गर्म करके कर ना, जिससे प्याज का बीज उसमें आराम से निकल जाए, ठीक है ना। आपने करके देखना जो मैं बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस, बीज एक तो बर्बाद नहीं होगा और 100% जर्मिनेशन आएगा। आपने क्यारी बना ली, क्यारी के बीच में उसको लेवल कर दिया बिल्कुल बराबर, ढेले वगैरह तोड़ करके महीन कर दिया, कोई गोबर की खाद डालने की अभी जरूरत नहीं थी, 12-32 भी डालने की जरूरत डालनी है, थोड़ा बहुत 12-32 डाल करके आप उसको बराबर करके रख दीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा छेद कर लीजिए, जैसे छोटा 200 ml का जो प्लास्टिक का बोतल होता है उसमें ऐसा छेद कीजिए, ऐसा कील कि जो कि गर्म करके करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो उसमें छेद बंद हो जाएगा। चाय यही पिला दो इनको, तो क्लास लग रही है ना, या क्या करोगे आप लोग? पांच मिनट रुक जाओ, तो जो छेद करते हैं इसमें छेद कर लीजिए, ठीक है। छेद करने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें उसी बोतल के किनारे छेद नहीं करना, बोतल में आप बीज को डाल दीजिए और उसी में बेबिस्टीन डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसी में थोड़ा सा M45 डाल दीजिए उसी बोतल में। तो एक तो वो सीड ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त हो जाएगा, जो सबसे जरूरी चीज है, सीड ट्रीटमेंट हम ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, उस बोतल में रख दीजिए। और जब क्यारी में आप ले जाकर के आप उसको हल्का हल्का हिलाना है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सेक करेंगे ना, इतनी इतनी दूर पे आपने छेद करना है कम से कम, तो सेक करेंगे तो वो दाना बड़ा प्यार से गिरेगा, एक एक दाने जितने डिस्टेंस पे गिरने चाहिए उतने ही डिस्टेंस पे वो गिरेगा। और उसके ऊपर उसको पूरे क्यारी में पहले फैला लीजिए बीज, आपको खुद एक तो सफेद रंग का उसके ऊपर पाउडर लगा होगा तो आपको बिल्कुल साफ पता लगेगा कि बीज की मात्रा कितनी गिर रही है, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर आपने गोबर जो छाना हुआ है उसको छट्टा लगा दीजिए हाथ से, या छन्नी वगैरह हो उससे छान दीजिए, और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी आप जो अलग से निकाल करके रखे हो उस मिट्टी को थोड़ा सा फैला दीजिए। पानी नहीं लगाना है ये जिसके इसके पहले आपका क्यारी में नमी होना चाहिए, जिस समय खेत तैयार कर रहे हैं तो वो नमी, जिस दिन आप बुराई कीजिए उसमें क्यारी बनाने के लिए, उस समय उसमें नमी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नमी होना कि उसको भुरभुरा भी किया जा सके, और जितना ओस गिरता है उतना ही से जर्मिनेशन हो जाता है। उसके ऊपर अगर आप चाहो तो प्लास्टिक से ढक सकते हो आप, 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए प्लास्टिक से उसको ढक देंगे आप, तो 2 दिन में क्या होगा कि जो नीचे से गर्मी आएगी और जो ह्यूमिडिटी निकलेगी, मॉइस्चर निकलेगा, वो वहीं ट्रैप हो जाएगा, रुक जाएगा, और वो जो खेत में नमी ऊपर के तह में नहीं थी वो भी नमी युक्त हो जाएगा, पूरा क्यारी आपका ढका हुआ लगेगा। इससे क्या होगा, हम बड़े बड़े क्यारियों में प्लास्टिक से ढक देते हैं 2 दिन के लिए,
और इससे प्याज 100% जर्मिनेट्स हो जाएगा। एक एक बीज साबुत निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही निकलता है, जैसे ही सफेद सफेद लुंगे निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी समय आपने उसी स्टेज में M45 और बेबिस्टीन का घोल का मिश्रण आपने फुहारे में बनाना है और एक बार आपने इसको ड्रेंचिंग कर देनी है। अगर कई बार आप लोग के एरिया में, बहुत सारे एरिया में घास की बहुत समस्या आती है, घास बहुत प्याज के साथ घास बहुत निकल जाता है, ठीक है ना, वो समस्या से निपटने के लिए एक दवाई आती है। जैसे वो लुंगा निकलने लगे तो उसमें उसको बोलते हैं शुरू वाला, जर्मिनेशन वाला स्टेज। उसके बाद का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं हुक स्टेज। जब आप देखते हैं ऐसे तरह का बनता है उसका पत्ता और बाद में वो खड़ा हो जाता है पत्ता, तो दो पत्ते ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब ये पत्ते खड़े हो जाएं, घास वैसे ही भले ही निकला हो, तो एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराफेन। ये बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम यूज करना है। 15 लीटर के पंप में सिर्फ 2 ml ऑक्सीफ्लोराफेन। मैं ये वीडियो डालूंगा तो आपको सुनाई भी दे देगा वहां, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात को समझ लीजिए। तो ऑक्सीफ्लोराफेन एक दवाई आती है गोल के नाम से, GOAL, गोल के नाम से ये दवाई आती है। ये प्याज में, ये लहसुन में भी, मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है। तो आपने जैसे ही ये हुक फ्लैग स्टेज बोलते हैं, जिस समय दो पत्ते निकल जाते हैं, उसी समय आपको लगेगा कि घास भी आ गया है और वो भी आ गया है, तो आप उससे एक बार फुहारा से या सॉरी पंप से आप उसको एक बार स्प्रे कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर वो सारे घास अपने आप से, प्याज ही प्याज बच जाएगा, सिर्फ प्याज। इसमें दोनों घास खत्म हो जाएंगे, जो प्याज की तरह ही दिखने वाले घास होते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, जो चौड़े पत्ती वाले होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। ऑक्सीफ्लोराफेन इतनी अच्छी दवाई है, लेकिन मात्रा इसका एक पंप में, देखना मैं बार बार कह रहा हूं, एक पंप में सिर्फ 2 ml उस स्टेज में, एक पंप में, पंप का मतलब 15 लीटर, कंफ्यूज नहीं होना आपने, 15 लीटर में 2 ml दवाई, ठीक है। क्या हो गया सर? गाड़ी है, गाड़ी आई है जाने के लिए। इतना सवेरे क्यों बुलाया? नहीं सर, वो गए थे काम से ना। अच्छा, तो फिर पैदल फिर बड़ा जाने पड़ता ना मेरे। ओके, हां जी सर, चाह रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकलो निकलो, आप लोग निकल लो, फिर मैं क्लास लगा लूंगा, एक साइड को हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपने, वो घास आपका इसी स्टेज में, उसके बाद दूसरा स्टेज आता है ना, जो दूसरा स्टेज आता है, जो आपका लीफ निकलेगा, जब आपका तीसरा पत्ता निकलने लगता है, उस समय भी अगर घास की प्रॉब्लम आती है तो फिर एक स्प्रे कर लो, लेकिन उस समय करना 4 ml एक पंप में, पहले 2 ml फिर 4 ml, और फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है उसके बीच में भी अगर घास निकलता है तब निकलेगा नहीं, ये दो स्प्रे से 90% घास खत्म हो जाता है। अगर तीसरा निकलता है तो एक स्प्रे आप लास्ट में भी कर सकते हो, तो वो सारे घास आपके खत्म हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि प्याज की तरह ही दिखने वाला घास होता है, वो शुरू शुरुआत में बढ़ता रहता है, वो पतले पतले, वो लगता है कि प्याज ही है, तो एक्चुअली में वो सारा घास आपका साफ हो जाएगा। और ये ऑक्सीफ्लोराफेन आप इसमें लगा सकते हो। इसमें 19-19-19 खाद आती है, या आपने देखा होगा नैनो यूरिया आजकल, है ना, उसको एज ए न्यूट्रिएंट आप जब आप लगाने का, जैसे दिसंबर के लास्ट में हम इसको लगाने की तैयारी करते हैं या जनवरी के फर्स्ट वीक में लगाते हैं प्याज को उखाड़ के, तो उससे पहले एक स्प्रे 10 से 12 दिन पहले एक स्प्रे इससे नैनो यूरिया का आप कर सकते हो। उससे प्याज में क्या होगा, हरियाली आ जाएगी, जड़ें और मोटी हो जाएगी और पौधा सही कलर का, रंग का हो जाएगा। वो कई लोग बेचने का काम करते हैं, तो कई बार हमसे पूछते हैं कि इसमें हरियाली लाना है तो क्या करें, तो उस कंडीशन में आप नैनो यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 19-19-19 या 26-26-26 इस तरह का भी लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, उसको आप कर सकते हो। ये तो प्याज की बात है। फिर ट्रांसप्लांटिंग की बात होती है, वो तो डिफरेंट है कि जब हम इसके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, उखाड़ना है प्याज की पनीरी को, उखाड़ करके प्याज की पनीरी को जब भी हम लगाते हैं, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हम उसको खेत में लगाने के लिए जाते हैं, तो कभी भी क्यारी में पानी नहीं लगाते हैं, कम से कम एक सप्ताह तक। जब भी आप इसको ट्रांसप्लांट करो तो प्याज के पनीरी को जब भी आप लगाते हैं, आप लोग लाइन में लगाते हैं, अगर लाइन में लगाते हैं तो नालियां निकाल करके उसके पौधे को हम रख देते हैं, फिर मिट्टी से ढक देते हैं, तो वो उस जिस क्यारी में आप लगा रहे हो उस क्यारी में पहले से नमी होनी चाहिए हल्की। लाइनें आप बनाइए, प्याज को रख लीजिए इतने कम से कम 15 cm × 10 cm, लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 cm और पौधे से पौधे की दूरी इतनी कम से कम होनी चाहिए। प्याज को रख दीजिए, उसको ढक दीजिए और उसके ऊपर पानी मत दीजिए,
तो आप देखोगे क्या, थोड़ा दबा देना है मिट्टी को, इससे क्या होगा 100% प्याज आपका लग जाएगा, एक भी प्याज बीच से सूखेगा नहीं। कम से कम 7 दिन के बाद ही उस क्यारी में आपने पानी देना है, जब वो पौधा ओस के सहारे खड़ा हो जाएगा, जब वो जमीन को छोड़ दे। नहीं, आप अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका इसका फायदा क्या होगा कि इसकी जड़ों में वो सारी जड़ें निकल जाएगी जो जड़ें इसकी निकलनी चाहिए। और कई बार बीच से पौधे आप लगा तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे आपका पौधा 100% मर जाएगा, लेकिन जो प्याज का आप अगर 2 क्यारी लगा रहे हो तो 1 क्यारी मेरे तरह से लगा करके देखो, दूसरी अपने तरीके से, आपको फर्क खुद ही समझ में आ जाएगा जब वो पौधा लगेगा। तीसरे दिन 4वें दिन पौधा जो है ना जमीन छोड़ देगा। जैसे ही पौधा ने जमीन छोड़ा ना, पहले तो शुरू में 2 दिन तो गिरा ही रहेगा है ना जमीन के साथ, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि जमीन को छोड़ दिया। और जैसे उसके बाद आप उसके 1-2 दिन का और इंतजार कर लीजिए और उसके बाद आप उसमें पानी लगाइए, ये बेस्ट तरीका है। या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है कि मिट्टी को जैसे आप लोग गीला करते हैं ना धान के लिए क्यारी गीला करते हैं, फिर उसमें धान की रोपाई करते हैं उखाड़ के, ऐसे करते हैं ना धान, कि इससे अलग करते हैं, सूखे खेत पे तो नहीं करते हैं हम, तो पलेवा करते हैं है ना, पूरा कीचड़ बना देते हैं, फिर उसमें धान के पौधे, जब पानी सेटल हो जाता है तो फिर जाके उसमें हम धान के पौधे लगाते हैं। ये भी एक तरीका है प्याज को लगाने का। अच्छा, कि आप क्यारी को बिल्कुल वो कर लीजिए पानी पानी करके, उसमें खूब मतलब ऐसा हो कि थोड़ा गारा टाइप का बन जाए, और उसके बाद जब थोड़ा 1-2 दिन उसको सेट होने दीजिए, फिर उसके बाद आप प्याज उखाड़ करके उसको लगा दीजिए। ये भी टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक उस जगह पे ज्यादा फिट बैठता है जहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा चिकनी हो। लेकिन बेस्ट वे जो है ना, वो मैं ये तरीका जो बता रहा हूं ये बेस्ट तरीका है जो पहले मैं बताया आपको। दूसरा, हम ये प्याज का है, उसके बाद प्याज को आप जैसे ही प्याज लगा देते हैं और जैसे ही वो खड़ा होने लगता है, उसी समय एक कीड़ा लगता है जो इसके जड़ को काटता है और पौधा सूखने लगता है। उसी समय आप क्लोरोपाइरीफॉस इसके जड़ में, जैसे आपका क्यारी है, क्यारी में अगर आप पानी भर रहे हो तो एक एक बूंद कर करके, जहां से नाली से पानी जा रहा है वहां पर एक एक बूंद करके आप डाल दीजिए उस क्यारी में, 10 बूंद 15 बूंद छोटी, जैसे क्यारी का आकार है, तो उससे क्या होगा क्लोरोपाइरीफॉस पूरे खेत में आराम से फैल जाएगा, और वो आपको जो कटवर्म है या जो कीड़ा लगता है, छोटी छोटी सुंडियां होती है सफेद रंग की जो प्याज के जड़ के नीचे अगर खोदेंगे तो पता लगता है, वो मर जाता है। तो ये शुरुआत के स्टेज में होता है, बाद में नहीं होता है प्रॉब्लम, ये शुरुआत में ही होता है। दूसरा, उसके बाद आप इसको जैसे पौधा लग जाए, पौधा खड़ा हो जाए, 15-20 दिन तो लग ही जाता है पौधे को, फिर नया पत्ता जब आना शुरू होता है, आप एक आध स्प्रे, वही जो आपको बोला मैंने ऑक्सीफ्लोराफेन का, एक स्प्रे कर दीजिए, जो घास बास थोड़ा बहुत भी आने का चांसेस होगा ना, 1-2 ml दवाई 15 लीटर में डाल करके उसको स्प्रे कर दीजिए। 3 स्प्रे करेंगे तो आपको प्याज में घास निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्याज कहता है, प्याज और लहसुन, कि हमें गुड़ाई चाहिए, गुड़ाई मस्ट है। तो जनवरी में नहीं, फरवरी 15 के बाद मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में कम से कम 3 गुड़ाई प्याज और लहसुन चाहिए, अगर बढ़िया फसल लेनी है तो। एक एक गुड़ाई आपको अच्छी गुड़ाई चाहिए, तो ये उस ख्याल से आपने प्याज की गुड़ाई नहीं करना है कि मेरे को घास निकालना है, क्योंकि वो घास अगर नहीं भी होगा तब भी आपको गुड़ाई करना है। और अगर आप गुड़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि मेड़ के ऊपर प्याज लगाना है। देखा आपने मेड़ के ऊपर प्याज लगाते हुए लोगों को, आलू वाले चौड़े चौड़े मेड़ बनाते हैं, उसके ऊपर 4 प्याज लगा देते हैं, वो भी टेक्निक है, लेकिन उसमें घास ऊपर नहीं आता, उसमें फिर नालियों में ही घास आता है ज्यादातर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आधा खेत आपका बर्बाद चला जाता है, आप समझते हैं। जैसे एक कनाल में आपने आलू लगाया है तो एक कनाल में जितनी मेड़ है उतना ही यूज करते हैं ना, तो नाली भी तो उतना ही जगह लेता है जितना मेड़ लेता है, तो आधा जमीन आप बर्बाद कर देते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि प्याज और लहसुन को कभी भी मेड़ पे मत लगाओ, आधी जमीन आपकी बर्बाद हो जाएगी। वो तो आपको अगर पूरा जमीन यूज करना है और ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो आपको फ्लैट बेड में ही प्याज और लहसुन लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फ्लैट बेड में, उसके बाद ये जो M45 और बेबिस्टीन है, इसका स्प्रे लहसुन और प्याज में हर 15-20 दिन के बाद एक एक स्प्रे, ये फफूंद नाशक है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है शरीर के ऊपर। आप 15 दिन के बाद अगर इसका स्प्रे करते रहते हैं तो जो प्याज में समस्या आती है, जो पिछले बार आया तो पता नहीं पहले भी होगा, कि इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू में डाउनी मिल्ड्यू लगता है, जिसमें पत्ते के ऊपर राख कलर का हो जाता है, राख कलर का पाउडर, और पूरा पत्ता, फिर धीरे धीरे वो पूरा पत्ता ही
खत्म हो जाता है प्याज, 15 दिन के अंदर पूरा प्याज ऊपर का पत्ता खत्म, फिर नीचे छोटी छोटी गठी बन जाती है बस। तो उस कंडीशन से बचना अगर है तो प्याज में आपको M45 बेविस्टिन, अगर इससे भी ऊपर चाहिए तो मेटालेक्सिल या आपने रिडोमिन, इसका स्प्रे करना है उसमें। और स्प्रे जो आप करेंगे इसके प्याज का, प्याज के ऊपर, तो उसमें स्टिकर जरूर मिलाना है, स्टिकर समझते हैं ना, नहीं होगा तो शैम्पू का पाउच डाल दीजिए उसमें, एक पंप में आधा शैम्पू का पाउच जो आता है 2 रुपए का, 1 रुपए का जो आता है, उसको डालने के बाद ही इसको इन दवाइयों का स्प्रे करना है, ठीक है। और इसका स्प्रे आप 15 दिन पे अगर आप कर रहे हैं तो ना तो डाउनी मिल्डी आएगी, ना तो पाउडरी मिल्डी आएगी, ना तो आपको पर्पल ब्लॉच आएगा, ना आपको कोई नीचे वाला रूट वाला कोई सिस्टम वाला रोग आएगा। वैसे लहसुनों में, लहसुन और प्याज में बहुत कम आता है ये, हमारे एरिया में वो वाला प्रॉब्लम कम है। और बीच में अगर थोड़ा बहुत होता है तो जब आप क्यारी को पानी लगाते हैं महीना डेढ़ महीना में, जब खूब पानी लगाते हैं जिस समय रियली में जरूरत होती है, तो आप उस समय उसमें थोड़ा सा क्लोरोपाइरीफॉस डाल सकते हो। प्याज और लहसुन को का 2 से 3 इंच की जमीन, गहराई वाली जमीन ही से खाद लेता है, इसलिए कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि गोबर की खाद ऊपर से भी डाल सकते हो आप छट्टा लगा के, उसका भी फायदा होता है इसमें। खड़ी फसल में भी आप जैसे यूरिया का छट्टा लगाते हैं वैसे गोबर का भी छट्टा लगाओगे आप, गोबर का खाद का है, एक एक क्यारी में 10 किलो गोबर की खाद का छट्टा लगाओगे तो ये आपको फायदा करेगा, बसरते कि आप 10 टोकरी गोबर की खाद उसमें डाल दो तो जो जमीन के नीचे चला गया खाद उसका कोई फायदा नहीं होगा, खाली जमीन को मुलायम रखेगा। लेकिन ये वाला खाद से न्यूट्रिएंट मिलता है, क्योंकि जो प्याज है आपने देखा होगा जब प्याज बनता है तो जमीन के आधा ऊपर ही रहता है ना, उसी तरह से हम अब प्याज में तो कोई समस्या नहीं है, और कोई पूछना है प्याज में आप लोगों ने? अगर आपने लहसुन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि लहसुन भी आजकल लोग आजकल लगाने का टाइम है, लगा रहे होंगे आप या लगा दिया होगा, लहसुन लगाने का टाइम है, नहीं लगाते हैं आप लोग? लगाते हैं ना। तो लहसुन कई तरह का होता है, देखा होगा आपने लहसुन कई तरह का होता है ना, एक लहसुन होता है जिसको हम बोलते हैं बड़ा साइज का, है ना, जिसमें नहीं नहीं घटिया सर, जो प्याज है ना, जो लहसुन है ना, हाँ लहसुन है ना, उसमें एक होता है जिसमें 4 से 5 कली होती है, कली समझते हैं ना, 4 से 5, एक दूसरा होता है जिसमें 8 से 10 होता है, एक में होता है 12 से 14-15 के करीब, और एक होता है जिसमें 30-40 भी होता है, जो देसी होता है बिल्कुल प्योर देसी, छोटा सा होगा और पतली 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 पतली, उसमें सारा जो दाना होगा वो एक ही साइज का होता है, सबसे फायदेमंद वैसे लोग बोलते हैं कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से वही है जो देसी है। दूसरा एक आपने देखा होगा जो गुलाबी कलर का होता है, उसका जो छिलका होता है ना वो हल्का सा गुलाबी टाइप का होगा, है ना, वो सबसे बढ़िया माना जाता है, वो कहते हैं कि वो देश, उसमें दोनों गुण होता है, देसी का भी गुण होता है और दूसरे वाले का, थोड़ा मोटा भी होता है हल्का सा, लेकिन उसमें 14-15 कलियां होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और तीसरा जो होता है जो आपको बताया मैंने कि बड़े साइज का, तो अब देखिए ना कि कई लोग पूछते हैं हमारे से कि प्याज का सीड रेट कितना है। अब प्याज का सीड रेट बताना बड़ा मुश्किल है, सीड रेट का मतलब है अगर आप इतना बड़ा प्याज वाला लगा रहे हो तो वो तो क्विंटलों में लगेगा एक कनाल में, और अगर आप छोटा वाला लगा रहे हो जिसमें 20-25-30 दाने होते हैं तो वो तो किलो में भी निकल जाएगा, कई किलो में, 10 किलो 8 किलो 10 किलो में भी आपका कनाल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि दाने के ऊपर कितना साइज का आप कली यूज कर रहे हो, उसी के अनुसार आपका लहसुन होता है, ठीक है ना। उबासी मत लो सर, आप उबासी लेंगे मेरे को नींद आएगी, ठीक है ना। तो वो जो कली है ना, आपने क्या करना है, आपने लहसुन को तोड़ लेना है। लहसुन को हम कभी भी जमीन के अंदर नहीं दबाते हैं, लहसुन अपने आप में कुछ नहीं है, लहसुन के नीचे जो जड़ है ना वही जान, वही उसकी जान है, वही पौधे जमीन से सब कुछ लेगा और वही लहसुन बनेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो लहसुन के अंदर जो जो नीचे जो जड़ निकलता है ना, वो हम जब लगाने के लिए जाते हैं ना, लहसुन को तोड़ लीजिए आप, तोड़ करके ऐसा जरूरी नहीं है कि छिलका उतर भी जाता है तब भी लहसुन लग जाता है, कई बार हम तोड़ते हैं ना तो उसका छिलका निकल जाता है ऊपर से, जो हल्का पेपर जैसा होता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं लगेगा, वो भी लग जाता है, उसका जड़ होना चाहिए और वो जड़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जड़ जब आप अलग करते हैं तो आप देखते हो कि नीचे वाला पोर्शन नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है वही। तो इसलिए हम नॉर्मली प्याज को हम जब रखते हैं तो प्याज की जड़ें तो काट देते हैं, लेकिन लहसुन की जड़ों को हम नहीं काटते हैं, और उसके बाद उसकी कलियों को अलग कर लिए। लेकिन जब रोपाई करने जाते हैं हम, तो लहसुन को कई लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे दबा देते हैं,
जमीन के नीचे नहीं दबाना है। कितना गहरा, इतना जितना लहसुन है पूरा, मतलब जिस क्यारी में आपने लहसुन लगा दिया है उस क्यारी में लहसुन नहीं दिखता है कि हम लगा दिए हैं, तो जब तक लहसुन निकलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि लहसुन हमारा निकला है कि नहीं, लगा है कि नहीं इसमें। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब भी आप लहसुन लगाते हो तो लहसुन का दो तिहाई भाग, चाय के लिए ना, दो तिहाई भाग नीचे रखना है, बस हो गया, और एक तिहाई भाग ऊपर रखना है, दिखता रहना चाहिए, दिखता रहना चाहिए। आपको खुद भी पता हो कि मैंने लहसुन लगा दिया है। अच्छा। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप लहसुन की कली को पकड़िए, लहसुन को कली को पकड़िए, जड़ नीचे रखिए और बस जमीन में दबाते चले जाइए। अच्छा। दिखाई देता रहे, दिखाई, आधा पोर्शन दिखना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे ना, पहले तो मिट्टी को बराबर कर लीजिए, बिल्कुल महीन कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद लहसुन और प्याज में यही फर्क है, आप देखेंगे कि उसके बाद आप इसमें पानी लगाना है लहसुन में। हाँ। अच्छा। उससे क्या होगा, अब आधा लगाया है आपने ना, तो अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो पता क्या होगा, जैसे ही जड़ निकलेगी वो जड़ पकड़ने की मिट्टी को कोशिश करेगा तो वो नीचे को फोर्स करेगा, जब वो फोर्स करेगा तो लहसुन निकल के आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका आधा लहसुन जो है जमीन के ऊपर आ जाएगा। इससे बचने के लिए आपने उसमें शुरू में ही सिंचाई कर देना। जैसे ही आप सिंचाई करेंगे तो ये मिट्टी इसको पूरी तरह से पकड़ लेगी और उसके बाद उसमें से जो जड़ निकलेगा, एक भी नहीं, 12-32-16 इसका जान है लहसुन का, सल्फर, ये चार चीजें अगर आप 12-32-16 खा तो आप लोग के पास मिलता ही है। सल्फर कम से कम एक कनाल में आधा किलो कम से कम सल्फर जरूर डाला करो, आप मिल जाता है खाद, और इसको डाल करके आप इसको खेत को तैयार करके इसको लगा दीजिए। और उसके बाद सेटिंग देखिए, आप 15 दिन के बाद सब पत्ते बाहर आएंगे, जब पत्ते बाहर आ जाए तो थोड़े बहुत घास भी आने लगेंगे। मैंने आपको रामबाण बता दिया है कि ऑक्सीफ्लोराफेन 1 cc ले लेंगे तो पूरे गांव को हो जाएगा, पूरे गांव को बोल रहा हूं, 200-250 रुपए की आती है पूरे गांव में, कि थोड़ा सा 10 बूंद चाहिए उनको, कितना चाहिए 10 बूंद 15 बूंद चाहिए उनको, दे दो आप एक दूसरे को बांट करके, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली बताना है कि इतना से ज्यादा नहीं यूज करना है, है ना। नहीं हो अगर मिल का पता नहीं लेंगे, कई बार ढक्कन मिल जाता है तो सिरिंज जो होता है ना वो घर में कई बार रखा होता है प्लास्टिक वाला, नहीं तो दुकान में से आप 5-10 रुपए का आता है वो ले आइए, उसमें लिखा होता है 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml वो ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। 1 ml का दवाई निकालिए और पंप में डाल दीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। अगर घास 50% ही मरा तो दोबारा 5-7 दिन के बाद आप उसमें 2 की जगह 3 ml डाल दीजिए अपने आप। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लहसुन और प्याज में सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो करता है क्या, घास। घास से लोग परेशान, क्योंकि इसमें जगह नहीं होता है कि खरपतवार निकालने के लिए बैठने के लिए, तो ये समस्या आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। और ये जो टेढ़ा होने वाला, पत्ते के टेढ़े पत्ते के ऊपर दाग पिछले बार हुआ था, जनवरी फरवरी में तो हमारे को फोन नहीं करो आप, जनवरी फरवरी में अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं लहसुन के, जनवरी तक अगर लहसुन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो वो थोड़ा असर कोहरे का भी रहता है। अच्छा। इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए 15 दिन, जैसे ही गर्माहट आएगी तो इससे बचना अगर आपने है तो सल्फर का स्प्रे करना है। अगर आप बचना चाहते हैं कि ये स्टेज आपके नहीं आए तो आप जनवरी में दिसंबर में से आप इसमें एक स्प्रे सल्फर का, 3-4 लिक्विड सल्फर आता है स्प्रे वाला, उसको लेकर 3-4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप इसको स्प्रे कर दीजिए। ये लहसुन का सबसे बेस्ट लगाने का तरीका ये। और ये जब लहसुन आप लगाएंगे जो बीमारी आती है वो बीमारी से भी आप बचे रहेंगे। M45 और बेबिस्टिन बोला मैंने, रामबाण है इन दोनों के लिए, फसलों के लिए। इसको 15-20 दिन के बाद एक पंप उठाया, उसमें थोड़ा सा 20 ग्राम बेबिस्टिन डाला और 40-45 ग्राम M45 डाला, दोनों का पंप को घोला, उसमें थोड़ा सा क्या नाम है शैम्पू डाला और उसके बाद प्याज लहसुन पे स्प्रे कर दिया। जितना बड़ा आपका क्यारी है, बड़ा क्यारी है तो ज्यादा के लिए जरूरत होगी, छोटे क्यारी में एक कनाल में आपको एक पंप से 1.5 पंप से हो जाता है, ठीक है ना, तो उतना ही घोल बनाइए जितना आपको जरूरत है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। लहसुन प्याज में मेहनत नहीं है, लहसुन प्याज से आप करोड़पति बन सकते हैं। जिन अगर आपने कम से कम एकड़ों में लगाया, 1 acre 2 acre 3 acre लगाया तो लाखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी लहसुन का रेट पीछे भी 200-250 रुपए किलो था, अभी भी 100 रुपए से ऊपर ही है, 240। और मैं बताऊं आपको, 240 240 रुपया, और फिर भी हम
धान के पीछे पागल हैं या कनक के पीछे या मक्के के पीछे पागल हैं? मैं बताऊं आपको, एक फार्मर है ऊना में, मैं फार्मर तो बहुत है, मैं आपको उदाहरण खाली बताता हूँ। वो फार्मर जो है वो दो करीब करीब 20 कनाल में लगाता है लहसुन, 20 कनाल में लहसुन लगाता है, और हर साल हर एक आध साल के बाद उसको ऐसा रेट मिल जाता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकता है, और बेचता है नवंबर में जाकर के, अभी नहीं बेचता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जब लहसुन का सबसे ज्यादा रेट होता है, और हर साल एक बार लहसुन का रेट सबसे हाई होता है, और उसको रखना स्टोरेज करना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसको स्टोरेज कर सकते हो, या तो बांध करके घर में छतों में क्विंटलों को हिसाब से टांग दीजिए आप, या बांस लगा दीजिए, बांस के बीच में एक बांस यहां एक बांस इस हाइट पे, चार कई हाइट पे जमीन से हटा रहना चाहिए, गट्ठी बांध लीजिए 5-5, 10-10 किलो का, रस्सी से बांध के उसको हुक के सहारे लटका दीजिए, ये सबसे बढ़िया। या फिर लहसुन का कुआं बनाते हैं, उसको बांध के गट्ठे ना ऐसे ऐसे करके रखते जाते हैं एक एक के ऊपर कुएं टाइप का, और वो उठता जाता है चारों तरफ से, बीच में हवा आनी चाहिए और चारों तरफ हवा लगना चाहिए, लहसुन को कुछ नहीं होगा, जब आप चाहो लहसुन को एक साल तक लहसुन आपका खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है लहसुन और प्याज का। मैंने बोला आपको कि इसके अलावा अगर कोई बीमारी आती है तो एक मेटालेक्सिल दवाई आती है, बड़ी मुश्किल होती है कई बार, कि जब इससे भयानक कई बार होता है कि ऐसे बीमारी आ जाती है, तो मेटालेक्सिल अच्छी दवाई है लहसुन में खास करके, कि उससे आप इसको नुकसान से बचा सकते हो। प्याज में एक समस्या आती है, कई बार प्याज बुक्के निकलने लगते हैं, बुक्के समझते हो ना, फूल निकलने लगता है, वो लगाने का तरीका यह है कि प्याज को कभी भी हमको दिसंबर में नहीं लगाना चाहिए, प्याज की रोपाई जो है वो जनवरी में अगर करेंगे तो प्याज का ये निकलने का जो समस्या है ये करीब करीब समाधान हो जाता है, अगर आप थोड़ा टाइमिंग चेंज कर देंगे तो, ठीक है ना। कोई प्रश्न है प्याज के बारे में तो पूछ लीजिए आप, मैंने तो बोलना था जो बता दिया आपको। आप जैसे जनवरी में बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मानते नहीं है ना, वो तो जल्दी करोगे नहीं, मानते नहीं है, आप उनको बोलो ना कि फिर आपने साइज बढ़िया लेना है, आपने पत्ते खाने हैं तब तो आप अभी से लगा दो प्याज, नहीं नहीं वो तो अगर प्याज का गट्ठी खाना है आपने तो डेफिनेटली है कि आपको थोड़ा सा लेट लगाना पड़ेगा। हम तो जनवरी 15 के बाद लगवाते थे ऊना में, तो यहाँ हम मैं मानता हूँ कि जनवरी के फर्स्ट वीक में लग जाए, ठंड जो बल्ब है ना लहसुन का और प्याज का, बल्ब बनता ही तब है जब गर्माहट आती है, उसके पहले तो उसके पत्ते बनते रहते हैं, आप जानते हो कि नहीं, बनता ही तब है जब आप मौसम देखेंगे मार्च के बाद, जब गर्म होना लगता है तो आज कुछ होगा परसों कल कुछ होगा परसों कुछ होगा, आपको हर सप्ताह में नजर आएगा कि ग्रोथ का, उसके पहले तो वो पत्ता निकलता रहता है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो आप 2 महीना पहले भी लगा दो वो जिंदा रहेगा, लेकिन वो जो प्याज चाहिए वो तो बनेगा ही आपको फरवरी 15 के बाद, ग्रोथ नहीं होगी, और ज्यादा ग्रोथ करवा देंगे तो ज्यादा जड़े बन जाएगी, तो प्याज छोटा प्याज मोटा रह जाएगा वो रह जाएगा, और उसके गर्दन, प्याज माना जाता है जितना गर्दन पतला उतना बड़ा प्याज, उतना बेस्ट।